एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही आकाश विहार पर निकले हुए थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विश्राम करने का आग्रह किया। कुंड देखकर दोनों स्नान करने लगे। स्नान के दौरान माता पार्वती जी के एक कान का मणि उस कुंड में गिर गया। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड और घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही रूप बदल कर उन ब्राह्मणों के पास गए, उनसे माता का मणि कुंड से बाहर निकालने का आग्रह किया। एक ब्राह्मण जिसको मिला, लेकिन मोह की लालच में उसने छिपा कर रख लिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और अपने असली रूप में आकर बोले कि चांडाल कहीं के तुम पा गए हो और तुम्हें छिपा कर रख लिया। माफी मांगते हुए कहा, मैं मोह की लालच में गलत राह पे चल पड़ा, आपने मुझे चांडाल कह दिया है, ना ये ब्राह्मण मुझे अपने पास रखेंगे और ना ही ये समाज। भगवान शिव पिघल गए और उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम जिस भी चिता को अग्नि प्रदान करोगे उसकी आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होगी। तभी से डोम जाति की उत्पत्ति हुई।